मिस्टर कुमन, सानू सब तो पहले दसो कि चंडीगढ़ पुलिस किस तरह इंश्योर करेगी इस बार के जेरे इतने रेजिडेंट्स है दे कैन एक्चुअली हैव अ सेफ दिवाली। देखो साडा तो ये चाहे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, चाहे साडे रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे लाज है, उन्होंने जिन्ना भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर सकी करन दी कोशिश करा, जिवें 10 बजे तो बाद टाइम है नंबर वन। लेकिन मैं एक गल जरूर कहनी चाहना, किसी भी सिस्टम के दो चीज़ा होंगे, एक है नीति एक है न्याय। नीति इज पॉलिसी, न्याय इज वट इज इंप्लीमेंटेबल। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया होएगा जे असीं सारे सोच लिए भी दिवाली बिल्कुल सिर्फ मोमबत्तियां दी होवे ते बिल्कुल चुपचांत होवे ते कोई क्रैकर ना बजे। बट आई थिंक ऑन ग्राउंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इट। सो वट वी हैव टू रीच एट ए रीजनेबल सोल्यूशन इज भी पुलिस के तौर पर असं इंप्लीमेंट करिए, जो 10 बजे का टाइम है वो 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 असं उस इंप्लीमेंट कर सकी। जिमें बल साहब ने कहा जी ऑडिबिलिटी है इन्होंने क्रैकरस की वो विद इन लिमिट्स होवे, दैट वी कैन कोआर्डीनेट विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। थर्ड थिंग जी मैं कहनी चाहना, जो असी बच्चे होंगे से जो क्रैकर चलाते से तो एक पेरेंट्स गल करते होंगे से नाले पानी की बाल्टी पई होंगी सी और कोले खड़ के दे यूज टू रेगुलेट भी अगर कोई गल हो भी जाए तो इमीजिएटली। कई बार असी एज पेरेंट्स भी केयरलैस हो सकते, क्योंकि मैं समझदा पुलिस की बिल्कुल बेसिकली ड्यूटी है एंड वी आर रेडी टू इंप्लीमेंट इट। बट हर एक चीज़ का हल जो है इट इज नॉट ओनली पुलिस। मैं उस लिए एक टेक्नोलॉजी नु भी ब्लेम कर दी है जी। असी जो छोटे होंदे सी साडे पेरेंट्स साडे कोल खड़े होके पटाके चलांदे सी बिल्कुल बेफिक्र होके, फोन जे नीचे लैंडलाइन वज भी रहा होंदा सी किसी नु सुनाई नहीं दिंदा होंदा सीगा। अजकल सब दे हाथ विच मोबाइल फोन्स ने, टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे ने, कॉल्स हो रही ने, थोड़ा टाइम ही नहीं लगता जो तुसी जिहड़ी थोड़ी अटेंशन हैगी ओह बच्चों तो दूर चली जाती है। लेकिन इस दे विच भी एक पॉजिटिव गल बहुत हो जिहड़ी बल साहब ने कहा है, जो स्कूलों के एजुकेशन भी क्रैकर्स ना तो बच्चों का बहुत रुझान घटिया है और जिस तरह यह ट्रेंड घट रहेगा तो हो सकता है आप एक रीजनेबल हद तक ये काबू पाने च कामयाब हो जाइए। हाँ जी, मैं ये दसो सुकुमन की रेजिडेंशियल एरिया से विच वैसे यह अलाउड है इज इट? देखो 10 बजे तक तो अलाउड है, 10 बजे तो बाद नहीं, लेकिन आप जो हम कही मेरे को 6000 फोर्स है एंड यू नो द नंबर ऑफ हाउसेज इन चंडीगढ़, हर एक जगह इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय वन पर्सन एट एवरी। बट वेन वी गैट आर PCR गोज, इफ यू गैट ए कॉल वी गो दे आर, अच्छा असी एक्शन भी लेने। बट आई थिंक आर सोसाइटी आल्सो नीड्स टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट भी कोई गुआंढ च बीमार पे है पटाके होने चाहिए करते हो, क्योंकि पहला भी किया काफी इलीगल मैन्युफैक्चरर्स है जो पटाके लेके आते मार्केट। देखो जितो तक लाइसेंसिंग का काम है लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिंदी है, बट जे हो ऑलरेडी मार्केट दे विच जे मार्केट दे विच हन, मैं देखो मेरे खातर कहना बड़ा मुश्किल है भी कि ISI दे पैटर्न दे मुताबिक है केड़ा नहीं है। हाँ जी, ये खातर आई थिंक वलसा वगैरह सारे बैठ के एक बड़ा एफर्ट करनी पेगी ताकि असी ते कोई वर्केबल सोल्यूशन कढ़ सकीए। मैनुफैक्चरिंग उही आ, मार्केट च भी उही आवे, बट आई थिंक लॉट नीड्स टू बी डन ऑन दिस। मिस्टर चहल, जे आप वैसे पोल्यूशन की गल करिए, दिवाली तो हट के भी पोल्यूशन की गल करिए, तो एनवायरमेंट अपना ऑलरेडी इन्ना पोल्यूटिड हैगा जिदे करके बच्चों विच ते स्पेशली बुजुर्गों दे विच रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत हैगियां ने, बट दिवाली की पोल्यूशन तो उहदे विच होर भी ज़्यादा एड ऑन कर देंदी है। वो गल यही आ रही थी, मैं थोड़े को पहला भी ऐड कर लगा सीगा कि हुण तक जिहड़ा पक्ष असीं देखदे आ रहे हैं कि भी इहदे स्पार्कलिंग बहुत हुंदी है, नंबर दो कि इहदे च नॉइज़ वाला भाग है, फिर तीजी गल सी जिस तरह बल साहब कहिंदे सी कि भी इहदे च कोई टुकड़े निकल के बड़ी दूर तक फलाई करदे ने किसी दे जा अख च वज्जा या किधरे होर गलत जगह ते जा वज्जा। लेकिन जे देखा जावे जो कंपोजिशन ऑफ क्रैकर है उहदे च सल्फर इज ए मस्ट, दैन पोटाश इज ए मस्ट, दैन फाइन चारकोल दैट इज ऑल्सो एडिड, और कुछ मैनुफैक्चर करने वाले आप भी छोटे छोटे टुकड़े उहदे च गोलियां जी बना के पा देंदे ने ताकि उहदी जिहड़ी बस्टिंग है वह बहुत चंगे आवाज़ दे। लेकिन मैं जिहड़ा पक्ष लैना चाहुंदा हुण वह मैं लैना चाहुंदा कैमिकल, जिस वक्त फटदा कि असली गल उहदे नुकसान की ने, सल्फर है इमीजिएटली सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाती है, कोयला है यदि कंप्लीट कंबस्शन नहीं होंगी
कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड साह लैण वास्ते मेरा ख्याल सारे ही जानते हैं कि यह तो एक्सेस से चली जाए तो बंदे अपना तो नुकसान है ही है, इससे ज्यादा तो अपनी मदर अर्थ का भी नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक इशू है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो भी ये जिथे सल्फर डाइऑक्साइड अदरवाइज डिजीज कॉजिंग है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल दीज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और जिदे नाल के अज टेंपरेचर दा अज तो चार दिन पहला असीं पढ़ रहे सीगे कि जो टेंपरेचर पिछले साल उस तारीख में सीगा उस तो 3 डिग्री असी थल्ले बिल्कुल जी एटमॉस्फेयर दे विच ओजोन लेयर ओ वी डिप्लीट हो रही है। मेरे को समा काटे मैं सब दा एक व्यू पॉइंट लेना चाहवांगी जांदे जांदे। मिस्टर गुप्ता आई विल स्टार्ट विद यू, थोड़े हिसाब दे नाल एक आपा सेफ दिवाली किवें मना सकदे आ एंड अ मैसेज टू द व्यूअर्स। द मैसेज वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट लेट चिल्ड्रन जस्ट फायर क्रैकर्स, आई मीन बी विद देम। Secondly, commemorative celebration I see as the best solution. It'll bring everybody together as well, keep everybody safe, and similar situations would not happen that somebody's a patient and still getting, you know, distracted or annoyed. Okay. So I think this is the solution. Right. Dr. Kocha. Main animals de tarafon appeal karunga human society nu ke animals jehde ne human de next close hai, inu even de prostate glands hai आदमी च होंदा, डॉग दे च होंदा, होर किसी स्पीसीज च नहीं है। दे आर सो क्लोज टू ह्यूमन बॉडी, उन्हां दी तरफों ह्यूमन एनिमल दी तरफों अपील करूंगा भी उन्हां नूं अननेसेसरी एज फंक्शन नाल डिस्टर्ब ना करिए उन्हां दी लाइफ, ते उन्हां नूं भी जीण दा हक साडे तरह है जिस तरह पीसफुली। लैट जदों भी असीं कोई इस तरह दा काम करिए उन्हां दा ख्याल रख के भी इन्हां नूं असीं डिस्टर्ब नहीं करना, इन्हां नूं भी रहण दा जमीन ते उन्ना ही अधिकार है जिन्ना सानूं है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਲ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਫਰਮ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੈਟਰੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਵਰ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਦੀ ਹੋਲ ਡੇ ਇਨ ਦੀ ਕੋਰਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੈਟਰੈਂਟ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਦਿਵਾਲੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। That's all we have in this edition of Prime. Have a safe and happy Diwali.